मंच के ठीक नीचे चीतों के जो पिंजड़े हैं वो होंगे और 6 फिट के ये जो पिंजड़े हैं उसमें कैद होंगे चीते। पीएम मोदी पिंजड़े का गेट खोलेंगे, चीते कूनो जंगल में पहला कदम रखेंगे और ये पहला कदम 70 सालों बाद पड़ने वाला ऐतिहासिक कदम होगा। सभी बिल्कुल, 70 सालों का लंबा इंतजार जो है वो आज खत्म हो चुका है, अब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंडिंग हो चुकी है इन चीतों की और थोड़ी देर में इन चीतों का गृह प्रवेश होगा, यानी ये पहुंचेंगे कूनो नेशनल पार्क और 9:20 का वक्त मुकर्रर किया गया है जब ग्वालियर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान लैंड करेगा और ग्वालियर से श्योपुर की जो दूरी है वो तकरीबन 165 किलोमीटर की है। माना यह जा रहा है कि 10:15 के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्योपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद दो साइट्स कूनो नेशनल पार्क में दो साइट्स बनाई गई हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीतों को छोड़ेंगे और कूनो नेशनल पार्क का ये चीते हिस्सा बन जाएंगे, इस नेशनल पार्क की शोभा बढ़ाएंगे। समीर, एक चीज और इंटरेस्टिंग है, देखिए कैट फैमिली से जुड़े जितने भी जीव हैं वो भारत में अभी हैं लेकिन चीते की कमी खल रही थी और जब बाघों को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो भारत को इस बात की चिंता थी कि कहीं चीतों जैसी स्थिति बाघों की ना हो जाए, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन अब चूंकि चीते वापस आए हैं तो एक तरीके से उस फैमिली का एक्सटेंशन भी हुआ है। सही बात, कहीं ना कहीं भारत में अब जो कैट फैमिली है वो अब बड़ी होगी और वो आगे बढ़ेगी। सही बात है। शिवांग हमारे साथ मौजूद है और शिवांग, आप ही थोड़ी देर पहले नरोत्तम मिश्रा से बात कर रहे थे, उन्होंने ये बात कही भी जिसका जिक्र रवि कर रहे थे कि अभी तक एमपी जो है वो टाइगर स्टेट के तौर पर जाना जाता था लेकिन अब चीता स्टेट के तौर पर जाना जाएगा। हलचल बताएं वहां पर क्या है। देखिए, हलचलें यहाँ बहुत तेज हो गई हैं और जो उत्साह का माहौल है वो भी अपने आप में देखते ही बनता है, क्योंकि जिन चीतों का जिक्र पिछले कई महीनों से चल रहा था, बल्कि यूं कहें कि कई सालों से चल रहा था, वो फाइनली अब जो है वो यहाँ लैंड कर चुके हैं। और दूसरा उत्साह इस वजह से भी है कि देश के जो है लोकप्रिय नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी कुछ क्षणों में यहाँ पे लैंड करने वाले हैं। मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊं, ये जो जंगल का एरिया आप देख रहे हैं ठीक इससे सटा हुआ यहाँ का वायु स्टेशन है और यहीं पे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी लैंड करेंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों से जो मीडिया है उसको थोड़ा सा दूर जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि यहाँ का जो अधिकारी है उनकी कोशिश ये है कि हर तस्वीर जो है वो लाइव कैद ना की जाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपने दर्शकों को दिखा सकें इस पूरी लाइव महाकवरेज को। तो कुल मिला के बात यह है कि थोड़ी देर में जो है वो यहाँ पे प्रधानमंत्री भी लैंड करेंगे, लेकिन अब जल्द से जल्द ये कोशिश की जा रही है कि चीता जो है उनको यहाँ से टेक ऑफ करा दिया जाए ताकि जो रनवे स्ट्रिप है उसे क्लियरेंस मिल जाए, क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, शिवराज सिंह चौहान भी अपने चौपर से यहाँ पहुंचेंगे, नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ पहुंचेंगे, तमाम केंद्र के बड़े अधिकारी, राज्य के बड़े अधिकारी भी उनके स्वागत के लिए यहाँ पे आतुर हैं। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मीडिया का भारी जमावड़ा, राज्य में उत्साह और देश का पूरा इंतजार है उस क्षण का जब प्रधानमंत्री खास मौका है का दरवाजा खोलेंगे। ये मौका खास है, बेहद खास है, उनको अपने अपने बाड़ों के अंदर जाने का मौका मिलेगा। एक लंबा इंतजार रहा है, एक लंबी प्रतीक्षा रही है और अब वो जाकर पूरी हो रही है, तो एक्साइटमेंट बहुत ही स्वाभाविक है, ये जो उत्साह है वो बहुत ही स्वाभाविक है। और देखिए, भारतवर्ष की सरजमीन पर एक बार फिर से चीते फर्राटा भरते नजर आएंगे, इस दृश्य का सबको इंतजार है कि जब पहला कदम रखेंगे ये चीते और उसके बाद जब दौड़ लगाएंगे वो तस्वीरें आएंगी तो वो कैसी होंगी।